और नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दिल्ली का सारान। गुड न्यूज़ है कि मतलब मेरे को फीवर नहीं है, अब मैं ठीक हो गया। बस बॉडी में पेन बहुत है, ये भी जाएगा, कल तक चला जाएगा। और कल मतलब रात में 12 बजे, अभी तो सुबह के 11 बजने वाले हैं, हम लोग 12 बजे गए थे बगल में जो आंटी है उनका बर्थडे मनाने। उनका आज बर्थडे है तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग आए थे आस्था के घर पे क्योंकि आज आंटी का बर्थडे है, तो अभी केक कटिंग हो रही है। रात के 12 बज रहे हैं और श्रेष्ठी दीदी भी मिल गई है यहाँ पे। सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे आंटी। इट्स योर बर्थडे, इट्स योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, happy birthday to you, another big year is finally here, happy birthday to you, it's your birthday, happy birthday. आज मम्मी ने बनाई है सबके लिए समोसा चाट, और मैं तो चाट नहीं खाऊंगा, समोसा बाहर का, इसलिए मैंने अपने लिए मैगी मंगाई थी, तो मैं मैगी खा रहा हूँ। चलो फटाफट से, ये तो पीनू की है, पीनू को दे देते हैं। खाओ पीनू बेटा, मजे करो। बज रहे दोपहर के 1 और क्या मतलब क्या ही बड़ा ही अजीब सा मौसम हो गया है, बिल्कुल तूफानी वाला। हल्की हल्की सी बारिश भी आ रही है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। ऐसा लग रहा है तूफान आने वाला है। ओ, बहुत तेज हवा है, बहुत तेज हवा है। तो बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, और ठंड भी लग रही है मेरे को, तो मेरी तो तबीयत भी ख़राब है। और हल्का सा पानी भी आना शुरू हो गया है। पता नहीं अचानक से हम लोग बैठे हुए थे, अभी तो 10 मिनट पहले तक मौसम ठीक था और अचानक से बिगड़ गया है। चलो फटाफट से घर के लिए निकलते हैं भाई, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी दोबारा। यहाँ पे कॉफ़ी चल रही है और हमें किसी ने बताया भी नहीं। इधर भी चल रही है, मौसम है हसीन, तो हमने सोचा कॉफी हो जाए। इधर कॉफी और इधर इधर ये चल रही है शोले। शोले बाबा की फेवरेट मूवी। तो अभी मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, कल मेरा पेपर है तो उसके लिए पढ़ ही रहा था मैं। तो पापा भी मार्केट से और समोसे ले आए हैं, क्योंकि अभी स्नैक्स का टाइम हो गया ना, तो स्नैक्स में भी हम लोग समोसा चाट ही खाएंगे। मैं तो पापा चार लेकर आया हम सबके लिए एक एक, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, इसलिए मैं कुछ और मंगा लूँगा। मंगाऊँगा नहीं, घर में ही कुछ खा लूँगा। और तबीयत तो ठीक है मेरी, सुबह से बिल्कुल एक बार भी फीवर नहीं आया मेरे को, मेडिसिन टाइम पे लिए मैंने। और सबसे बड़ी बात, बस बॉडी में पेन है और इसका स्वाद बहुत ख़राब हो रहा है, सब चीज़ इतनी कड़वी लग रही है मेरे को, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स। और मेरी 13 से लेकर 16 तारीख तक की छुट्टियां थी, और मेरी ये 4 दिन की छुट्टियां बीमारी में निकली हैं, इतना बदकिस्मत हूँ मैं। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो मैंने अभी समोसा चाट खा लिया, मैंने कहा कुछ और था नहीं तो मैंने कहा चलो उस चाट खा लेते हैं, और बढ़िया थी, मेरा एक में ही पेट भर गया। और अभी मम्मी ने अदरक वाली चाय बना के दी, वो भी पी ली, थोड़ा ठीक लग रहा है। और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे को, बुखार टूट रहा है ना, इसलिए मेरी टी शर्ट गीली हो गई है। चलो अब पढ़ने बैठते हैं, कल पेपर है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आंटी के घर पे आ गए बर्गर खाने के लिए, आंटी ले आई थी। थैंक यू सो मच आंटी, आप हमारे लिए बर्गर लेकर आए, थैंक यू। बर्गर खा के आ गए थे और आज खाने में बना है मिक्स वेज, क्या बात है भाई, ढाबा स्टाइल, बहुत मज़ा आएगा आज। हमारे डिनर आ गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मिक्स वेज की सब्जी, और क्या ही बढ़िया लग रही है। तो इससे पहले ये सब्जी और रोटी ठंडी हो जाए भैया, मैं तो खा लेता हूँ उसे। डिनर तो हो गया मेरा, मतलब सबने डिनर कर लिया, और क्या ही बढ़िया सब्जी बनाई थी मम्मी ने आज, मज़ा आ गया बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मेरे को कोई अब बीमार नहीं हूँ मैं, सब वायरल वगैरह और जो बॉडी में सुबह से पेन हो रहा था वो भी हट गया, तो मैंने आज की भी सारी दवाइयाँ खा ली है। एक वो छोटी गोली खाई जिसे खा के नींद आती है तो थोड़ी सी नींद भी आ रही है,
तो इस बार अब बारी है इस ब्लॉग को एंड करने की। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो ठीक है, आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलेंगे कल सुबह एक नए तड़कते लगते ब्लॉग के साथ।